खबर देहरादून से, जहां बीजेपी विधायक महेश नेगी की मुश्किलें जो है वो अब बढ़ गई है। विधायक महेश नेगी पर रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसजीएम कोर्ट के आदेश के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया। राजधानी के नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। महेश नेगी की पत्नी रीता नेगी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। रीता पर अपराध में शामिल होने और प्रलोभन देने का आरोप लगा है। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट से विधायक है महेश नेगी। तो महेश नेगी की मुश्किलें जो है वो अब बढ़ गई है। क्या कुछ है पूरा मामला वो आपको एक बार बता देते हैं। आखिरकार पिछले महीने विधायक की पत्नी ने महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित महिला ने कहा, मेरी बेटी भी उनकी है। साथ ही पीड़ित ने बेटी का डीएनए टेस्ट कराने की भी मांग की थी। महेश ने महिला और अपना नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की। महेश नेगी ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया। तो लगातार जो मुश्किलें हैं वो विधायक की अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसजीएम कोर्ट के आदेश के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। पंकज, विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, किन किन धाराओं पे ये मुकदमा दर्ज है? दुष्कर्म के साथ मामले को दबाने का भी आरोप लगा है, क्या कुछ पूरी डिटेल्स? बिल्कुल, अगर कहा जाए तो पूजा जी, तो विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी की मुश्किलें बढ़ गई है। कल जिस तरीके से एसीजीएम पंचम ने निर्देश दिए थे नेहरू कॉलोनी पुलिस को कि वो मुकदमा दर्ज करे, जो विधायक है विधायक की पत्नी पे मुकदमा दर्ज किया जाए, तो मुकदमा रात के लगभग उन्होंने दर्ज किया और सुबह इसकी जानकारी तमाम मीडिया कर्मियों को भी दी गई। तो महेश नेगी के ऊपर जो है नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 376 यौन शोषण और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और साफ है कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला ने जो कोर्ट में मुकदमा ना दर्ज होने की बात कही थी कि मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, जिसके बाद पुलिस ने आनंद फानन में कोर्ट के आदेश के बाद एकाएक मुकदमा दर्ज किया है और अब आगे की जो विवेचना है वो की जाएगी। कुल मिलाकर जो पूरी सरकार, अगर कहा जाए बीजेपी के जो विधायक हैं महेश नेगी, उनकी परेशानी जरूर बढ़ गई है जी। जी पंकज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में राज्य महिला आयोग और बाल आयोग ने भी पुलिस को रिपोर्ट देने के लिए कहा था, तो इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, पुलिस से बाल आयोग और महिला आयोग ने अपनी बात रखी थी। महिला आयोग ने महिला को जो पीड़ित महिला है उसको बार बार बुलाया तो वो अपनी बात रखने वहां नहीं गई महिला आयोग। इसके अलावा जो बाल आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई उसमें ये भी कहा गया कि भाई जो डीएनए टेस्ट किया गया वो फर्जी था, वो पता नहीं वो कौन से अस्पताल से किया गया इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर लड़की, हो सकता है पीड़िता को ये लग रहा हो कि क्योंकि ये सरकारी उसमें लोग राजनीतिक लोग उसमें बैठते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठते हैं, तो इसलिए शायद वो उन पर विश्वास न कर पा रही हो। तो ऐसे में वो सीधा कोर्ट से ही अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी, तो जिसके बाद अब जाके महेश नेगी और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब महेश नेगी उनकी पत्नी की परेशानी जरूर बढ़ गई है। हाई कोर्ट ने जो पीड़िता है उसको राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, तो उसको तो राहत है ही, लेकिन इनकी परेशानी जरूर बढ़ गई है जी। जी बिल्कुल, मामला तुल पकड़ ही रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।